अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिहाइंड द कैमरा, कभी मैं कभी तुम। हानिया, आमिर और फवाद मुस्तफ़ा का नया ड्रामा लोगों को खूब सोशल मीडिया पे पसंद आया। हानिया आमिर के ड्रामे जो भी होते हैं, लोग इनकी एक्टिंग को बेइंतहा पसंद करते हैं। और ऑफ स्क्रीन मस्ती की बात करें तो हानिया आमिर अपने बिहाइंड द शूट सीन्स ना दिखाएं अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। यारों की यार हानिया आमिर को लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, यहाँ करके भारतीय अदाकार भी इनको अप्रिशिएट करने से बाज नहीं आते। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ से बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो उससे आने वाली आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करें हानिया आमिर की तो हानिया आमिर रिसेंटली कभी मैं कभी तुम में जो इनकी बहनें बनी हुई हैं उनके साथ एंजॉय करते हुए बिहाइंड द कैमरा आज जब तस्वीरें और वीडियोस शेयर की तो लोगों ने कहा, इतनी बड़ी अदाकारा होने के बावजूद भी हानिया आमिर की जिस ड्रामे में भी कोई भी ई साथ को स्टार्स होते हैं, जूनियर हों या उनके साथ भी इनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है और हानिया आमिर खूब इंजॉय करती भी नज़र आती हैं। बात करें हानिया आमिर की एक्टिंग की तो इनकी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से भी लोग इनको बेइंतहा पसंद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हानिया आमिर हमेशा एंजॉय और चिल्क आउट करते हुए नज़र आती हैं। इस ड्रामे के सेट पे भी उन्होंने ऐसा ही किया, जब तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की तो लोग एक बार फिर अपनी प्यारी अदाकारा फेवरेट के बारे में तारीफ करने से बाज ना आए। यहाँ तक कि बादशाह से भी इनकी दोस्ती को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते थे, उनको भी हानिया आमिर बहुत ज़्यादा क्यूट और बिंदास बंदी लगती थी। बात करें हानिया आमिर के इस ड्रामे की तो इस ड्रामे को भी लोगों ने जिस कदर पसंद किया, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर ये एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जिसकी शादी टूट गई और उसके छोटे भाई से ये बात कर रही हैं कि मुझसे शादी कर लो। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। आपको क्या लगता है आगे शादी के बाद इनका क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।